ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्य शैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं, मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूँ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, मैं मानता हूं, सर्वे कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, बट मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर हाँ, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स ज़रूर कुछ और कह रही हैं, बट मैंने हमेशा इस बात को भी माना है कि एग्जिट पोल और सर्वे से हटकर हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। मैंने जब जब बिहार में चुनाव लड़े हैं, कई बार एग्जिट पोल्स में कभी भी हम लोगों को उतनी सीटें नहीं दिखाई गई जितनी सीटें हम लोग को हर बार मिली। 14 में 7 में से 6 मिली, 6 में से 6 19 में मिली, 5 में से 5 24 में मिली। पर कई बार कई एग्जिट पोल ने ये अनुमान नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी हम लोग का ये परिणाम रहा। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि कल जब परिणाम आएंगे तो वो जरूर एनडीए के पक्ष में ही होंगे। झारखंड विधानसभा में आप लालू प्रसाद यादव समेत 9 लोगों को जमानत मिल गई है चुनाव। अच्छी बात है। और जैसा मैंने कहा है कि न्याय प्रणाली पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। कई बार जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उस वक्त मैंने हमेशा यही कहा कि अगर आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो आपको डरने, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। हर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार पे सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं कि राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक भावना से इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, अगर आप सही हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, दोषी हैं तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। मामला पे सियासत हो रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मामला खाली किया, कहा जा सब ये सब चिराग पासवान भी 50 का गवाह है, लेकिन है और 25 के चुनाव के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी ने आज से लगभग 4 साल पहले शुरुआत की थी। उस मिशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। कल, बीते हुए कल में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की।
बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम लोगों की चर्चाएं हैं और मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट चयन, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आगामी 28 नवंबर को जब पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे तो वहां से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, कल 4 साल हो जाएंगे उनको हम लोगों को छोड़कर गए हुए। ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पापा की जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग हर साल जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार कल वहीं शहर बन्नी में रहेगा। वहीं उनकी जन्मस्थली से आशीर्वाद लेकर अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रण भूमि में उतरने के लिए तैयार हो। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथ ही खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है, उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी, हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है। हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करें। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफ़ी मेहनत की है। 19 का चुनाव, जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में ज़रूर भाजपा के साथ एक सीट, शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी, उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना जो कि मैं मानता हूँ 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छी बात है, अगर चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं तो किसी ना किसी लक्ष्य के साथ ही उतर रहे होंगे, या तो महागठबंधन को हराने के लिए या एनडीए को हराने के लिए। अगर वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अंतोगत वो फैसला तो जनता ने ही करना है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है, उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जिस संघर्ष के साथ वो राजनीति में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां पर लंबे समय तक एक धुरी
वो भारत की राजनीति की वो बने रहे। ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं सदस्यों को लगता है, मैं भी मानता हूँ कि उनमें हर वो गुण है, उनमें हर वो सामर्थ्य है जिसके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ते हैं चिराग जी, तो फिलहाल आप लोग कितनी सीटों पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गठबंधन में आप लोग लड़ें? देखिए, गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर उस बातचीत का हिस्सा मैं सार्वजनिक पहले कर दूं और उस पे अंतिम मुहर बाद में लगे।